जिसके संबंध में चूंकि वो एमपी था तो हम लोगों ने अपनी तरफ से और सेंसिटिव मैटर था, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि इस मैटर को लापरवाही पूर्वक किसी प्रकार की ना हो और सीरियसली इसको इन्वेस्टिगेट करें और हमारे से जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे, उसमें लगातार उस केस को देख रहे हैं, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शॉर्ट पीएम प्राप्त हुई है उसमें। उसके पश्चात जगह खान थाने के स्टाफ जो उनके परिवार हैं शिव प्रसाद साहू के, उनसे मिलने गए 15 तारीख को, मिल करके वापस आए तो जानकारी मिली कि गाँव में कुछ लोगों ने जो वहाँ इकट्ठा हुए थे उन लोगों ने रघुनाथ साहू के ग्रामीणों ने रघुनाथ साहू के घर पर अटैक कर दिया है, आग लगा दिया है। पुलिस फोर्स वहाँ पर जो रेखा खान थाने के स्टाफ थे वहाँ पर गए थे, चूंकि वहाँ पर भीड़ ज्यादा थी और फिर उन्हें फिर अंदर जाने नहीं दिया वहाँ पे पुलिस बल को, काफी वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल था। उस पर पुलिस अधीक्षक कुछ समय बाद भी जो ऑलरेडी दौरे पर थे वहाँ पर गए पुलिस बल के साथ, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने परिवार के जो अन्य लोग थे सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाला, जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद कुछ समय बाद वहाँ ग्रामीणों की संख्या काफी ज्यादा हो गई, जिसके बाद से और ज्यादा फोर्स बुलाया गया और उसके बाद बहुत देर बाद मालूम पड़ा कि हमारा जो रघुनाथ साहू है उनको वहीं के घर में जली बॉडी मिली है, उनकी हत्या हो गई है। उसके संबंध में पृथक से हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इस घटना के बाद से हम लोगों ने 5 FIR दर्ज की है जिसके संबंध में आपको जानकारी है और सभी FIR में 15 तारीख को हम लोगों ने जो हमारे पास एविडेंस के आधार पर जो एक्यूज थे 63 एक्यूज थे उनको हम लोगों ने लाया था पूछताछ करने के लिए और पूछताछ करके फिर उनको 16 तारीख को उनको पुलिस रिमांड पे जुडिशियल रिमांड पे उनको ले दाखिल किया गया था। उन्हीं एक्यूज में से 63 एक्यूज में से जो एक एक्यूज प्रशांत साहू का जिनका 18 तारीख को मॉर्निंग में जानकारी प्राप्त हुई उनकी डेथ हो गई है जुडिशियल कस्टडी में, चूंकि जुडिशियल कस्टडी में डेथ हुई है तो नियमानुसार जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा उनकी पोस्टमार्टम और बीएम में उनका आरोग्य पर्यवेक्षण में उनकी इंक्वायरी हो रही है, उसकी रिपोर्ट में प्राप्त नहीं है, जानकारी प्राप्त नहीं है अभी। तो हमारे जो विवेचना है उसके ऊपर से लगातार सोशल मीडिया में और कुछ ग्रामीणों के द्वारा लिखित में शिकायत किया गया है कि जो हमारे थाना के स्टाफ हैं उन्होंने अवैधानिक तरीकों से वहां पर विवेचना किया है, गिरफ्तारी की है, कुछ लोग जो शामिल नहीं थे उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है, ऐसे करके बहुत सारे तरह के चीजें मीडिया में आ रही है जिसको आपके समक्ष लाना जरूरी था। इसको देखते हुए हम लोगों ने जो रेखा खान थाना है उनके समस्त स्टाफ जो 23 वहां पर थे उन सभी को हम लोगों ने तत्काल प्रभाव सभी को पुलिस लाइन संबद्ध किया है, वहां पे पृथक से पूरी नई टीम वहां पे रहेगी जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी और नए सिरे से वहां पे जांच करेगी, साथ ही जो वहां पे डीएसपी वहां पे इसको देख रहे थे उन डीएसपी को पर्यवेक्षण चेंज करके अन्य डीएसपी कृष्ण चंद्राकर को वहां पे रेखा खान के थाना के पर्यवेक्षण के लिए पदस्थ किया जा रहा है और जो भी इसमें दो कर्मचारी और जो अन्य थाने से आकर के वहां पे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए आए थे जिनके ऊपर काफी सारे उनके विषय में प्रश्न चिन्ह लगा है उनको भी पृथक से निलंबित कर दिया गया है और इस पूरी की पूरी जांच में भविष्य में जैसा ही पाया जाएगा उसके ऊपर भविष्य में और भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये मैंने समझा आपके समक्ष। कुल कितने अधिकारी कर्मचारी निलंबित किए गए? 2 अधिकारी कर्मचारी जिनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई अभी उनको निलंबित किया गया है और जो 23 जो स्टाफ वहां पर थे थाना प्रभारी सहित जगह खा गए उन सभी को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन में संबद्ध कर दिया गया है।